नमस्कार न्यूज चैट फोर को स्वागत करुच्छी अभिन्न आशुतोष। प्रकाश पाइला आईसीएसई परीक्षा फल, आईसीएसई दशम और द्वादश परीक्षा फल प्रकाश पाई। आईसीएसई दशम 99.98% और द्वादश 99.76% पिला पास करिछंती। results.cise.org वेबसाइट रे परीक्षा फल उपलब्ध होई। कोरोना जो विकल्प मूल्यायन पद्धति रे होई मार्क आवंटन, एसएमएस माध्यम रे भी छात्र छात्री मार्क पाई। दशम फल पाई आईसीएसई स्पेस निजर यूनिक आईडी लिखी 09248082883 को पठातु और आप मेसेज जरिया दशम रिजल्ट पाइबे। से भाई द्वादश रिजल्ट जानवाप आईएससी स्पेस यूनिक कोड नंबर लिखी 09248082883 रु पठातु। तेबे आईसीएसई परीक्षा फल प्रकाश पाई एवं आईसीएसई परीक्षा फल वर्तमान समय रे दशम श्रेणी प्रकाश पाई एवं आईएससी रो द्वादश फल मध्य प्रकाश पाई। दशम 99.98% पिला पास करिसंती, द्वादश 99.76% पिला पास करिसंती। तेबे वेबसाइट जरिया रे परीक्षा फल उपलब्ध करा जाउची। या सहित एसएमएस माध्यम रे मध्य छात्र छात्री माने निजर परीक्षा फल जानि परिबे। नजर पकाइबा आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर उपर। सेप्टेम्बर सुद्धा पिलांक पाई कोविड टीका प्रस्तुत होई पारे, एने सूचना देइछंती एम्स निर्देशक रणदीप गुलेरिया। संक्रमण श्रृंखल छिन्न करिबारे एहा गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप हबो बोली से कहिछंती। आहुरी मध्य करोना संक्रमण स्थिति वर्तमान भी नियंत्रण को आसी नाही बोली से कहिछंती। डेल्टा वेरिएंट को नै भय कमिनी, एभली स्थिति रे एक बूस्टर डोज रा आवश्यकता थिबा कहिछंती एम्स निर्देशक रणदीप गुलेरिया। वैक्सीन नेबा परे भी शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति कमुथुबारु बूस्टर डोज रा आवश्यकता रहिछि। ता छडा भाइरस रो नुआ नुआ वेरिएंट सामना को आसुछि, तेनु नुआ प्रकार भाइरस रो मुकाबिला करबा पई बूस्टर डोज दरकार पड़िबो। तबे बूस्टर डोज सेकेंड जेनरेशन वैक्सीन पई आवश्यक हेबो बोली कहिछंती गुलेरिया। बूस्टर डोज पई ट्रायल रन मध्य आरंभ होई जाइछि। या छडा स्कूल खोलिबा प्रसंग रे से कहिछंती जेतु छोटो पिलांक शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक रहिछि, तेनु प्रथमे प्राइमरी स्कूल खोलिबा दरकार। So vaccines for children should come out now quickly because trials are already there in India for the vaccine which are available in India. Bharat Biotech trial is now in its sort of final phase and hopefully by September we will have data for that. The Zydus Cadila vaccine also has included children and their data is already there and they have already applied for emergency use authorization. Pfizer vaccine has already got the approval for children in the US and therefore that will apply to our country also. Therefore, I think in the coming few weeks or by September, vaccine should be available for children and we should then start in a graded manner vaccinating children also as we've been doing for 18 to 45 years age. And that also will give more protection to children. At the same time, it will also give more confidence to the public that children are safe and therefore they can go to school. राज्यरे कमुछि कोरोना, ओडिसा रे संक्रमण हार 2.4% रहिछि। एथिपाई खुशी हेबा कथा किंतु नुहे। वर्तमान भी खोर्धा कटक समेत चारिटी जिल्ला रे 100 उपरे दैनिक संक्रमण, एथिपाई आमको आहुरी सजाग रहिबाकु पड़िबो बोली स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र कहिछंती। तेबे भुवनेश्वर ओ कटक रे किभली संक्रमण कमिबो सेने सरकार स्वतंत्र पदक्षेप नेउछंती। गंजाम रायगड़ा ओ कोरापुट जिल्ला रे गत जून मास रे होइतिबा चतुर्थ पर्याय सेरो सर्वे रिपोर्ट आसिछि। ओडिशार 65% लोकंक शरीरें आंटीबॉडी सृष्टि होईछि। आमर सेरो सर्वेलांस रिजल्ट जातीय हार तुलन में भल रही। जो माने दुईटी लेखाएं डोज टीका नहीं सेमानंक देहरे आंटीबॉडी अधिक डेवलप होईछि। वयस्कों को प्रथम पर्याय टीकाकरण करा एक भल पदक्षेप बोली स्वास्थ्य निर्देशक कहिछंती। तेबे प्रथम द्वितीय और तृतीय लहर मध्य संपूर्ण बाउंड्री टाणीबा बड़ कष्ट। प्रति पैंडेमिक रे एमिति लहर आसे ताकु संपूर्ण रोका जाय पारिबनी। पैंडेमिक रो प्रभाव कम्युनिटी भितरे किछिटा रहिबो बोली विजय महापात्र कहिछंती। दीटा सिरो प्रिभेलेंस होची आपणकर कम्युनिटी रे इन्फेक्शन नेट केते थिला, इन्फेक्शन नेट परे हमर सिरो रे केमिति केते एंटीबॉडी सृष्टि हला, टीकार भी प्रभाव दुई रे हमर जो आगरु दुईटी सर्ज हलाणी लोकमान कम्युनिटी भी इन्फेक्शन हेची, इन्फेक्शन द्वारा भी लोकंकर सीरो सर्वेलेंस रे पॉजिटिविटी बढ़ुची। जो 65% 85% कहले सेटा होती निश्चय भाव गोटे पॉजिटिव साइन।
आउ जदि भी करा जीवो कोठी दखा जीवो ता परे केते परसेंट पॉजिटिव होची दिस इज अ गुड साइन आपन नेशनल एवरेज देखंतु आमर जति की करचंती आमर सीरो सर्वेलेंस रेट उत्साहजनक वर्तमान असंतु ओलंपिक संपर्कित खबर उपरे नजर पकाइबा टोकियो ओलंपिक्स रे भारत को प्रथम पदक महिला 49 किलो वर्ग भारोत्तोलन रे भारत पई रौप्य पदक जीति मीराबाई चानू मोट 202 किलोग्राम भारोत्तोलन करिछंती चानू स्नाच रे 87 किलो और क्लीन एंड जर्क रे 115 किलो भार उठाई मीराबाई स्नाच कैटेगोरी रे प्रथम प्रयास रे चानू 84 और 87 किलोग्राम भार उठाई किंतु 99 किलो भार उठाइबारे विफल होइथिले सेहिपरी क्लीन एंड जर्क रे दुईट प्रयास रे 110 और 115 किलोग्राम भार उठाई हेले फाइनाल रे 170 किलोग्राम भार उठाइबारे विफल हेले 49 केजी वर्ग रे प्रथम स्थान अधिकार करिछंती चाइनार प्रतियोगी हुजी से 210 किलोग्राम भार उठाइछंती ओलंपिक्स रे सर्वकालीन रेकर्ड सह स्वर्ण पदक जीतिछंती हुजी सेपटे 21 वर्ष परे भारोत्तोलन रे भारत को मिलिछि ओलंपिक्स पदक 2000 सिडनी ओलंपिक्स रे ब्रोंज पदक जीतिथिले कर्णम मालेश्वरी न्यूज 18 की टीम टोक्यो में पहुंची है और पहला मेडल हम देख रहे हैं इंडिया ने इंडिया के लिए जीता है मीराबाई ने बहुत प्राउड फीलिंग है कि आज टोक्यो का पहला मेडल आया है कितनी बड़ी खुशी है आज बहुत ज्यादा मैं बता नहीं सकती बहुत खुश हूँ बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ इस मेडल के लिए बहुत मेहनत करी है क्योंकि पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 मेडल जीता था और आज इस वेटलिफ्ट में अब एकमात्र महिला थी तो इट इज अ प्राउड फीलिंग ऑफ इंडिया हाँ हाँ मैं सारी वेटलिफ्टर इंडिया की वेटलिफ्टर्स सबको मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ खुद को भी क्योंकि ये हमारी वेटलिफ्टिंग के लिए सेकेंड गोल्ड ओलंपिक के लिए मेडल है तो मैं बहुत खुद को भी बहुत प्राउड करती हूँ और इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरा कोच फैमिली जो भी मेरा सपोर्ट है मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ बहुत बड़ी बात है कि वेटलिफ्टिंग जैसे खेल मणिपुर में शुरू हो गए वेटलिफ्टिंग खेल में इस मेडल के लिए क्या मेहनत की आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है कि ये टोक्यो ओलंपिक में मुझे मेडल लेना था तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है मैं घर पे इतना नहीं जाती क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बहुत प्यार है मुझे तो मेहनत भी बहुत ज्यादा किया है मैंने ये मेडल के लिए आखिर ये मेडल इंडिया ने जीता है यार नया इतिहास रचा है चानू ने चानू आपको न्यूज 18 टीम्स के बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक यू टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर वी ऑल इंडियंस इज वन ऑफ द एथलीट्स हु is a part of the Indian contingent for the Tokyo Olympic has won the first medal in the 49 kg weight lifting category. The Mirabai Chanu, who belongs to Manipur, has won the first medal, that is silver medal in 49 kg weight category. We are very proud and really congratulate Mirabai Chanu and we also express wish and hope that more and more medals would be won by Indian contingent and we once more wish all of them the best. माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और समस्त भारत की जनता की ओर से मैं मीराबाई चानू जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पहला ही दिन और रजत पदक जीतकर आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई है अ बिग थैंक यू टू यू आपने न केवल देश के लिए रजत पदक जीता है आपने देश के बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देने का काम भी किया है पहले दिन मेडल जीतकर उम्मीदों को बढ़ाया है बाकी खिलाड़ियों को भी और बल मिलेगा और ताकत मिलेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है इस ओलंपिक्स में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के बाकी खिलाड़ी भी आपकी राह चलकर और इतिहास बनाएंगे मैं बहुत खुश हूँ जैसे कि मेरा बहन है इसे सिल्वर मेडल मिला है मैं बहुत खुश हूँ जो उसका सपोर्टर वो पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो जितना किया वो पार्टी को भी गोल्ड मेडल लेके इंडिया में वापस आने के लिए मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ ऐसे खुश बहुत खुश है सब इतना मैं उसको मेहनत का जो फल है जो इसलिए उस सिल्वर मेडल में इसलिए मैं मेरा बहन होने के कारण बहुत खुश हूँ मैं मणिपुर के लिए सबसे पहले है ओलंपिक में जो सिल्वर मेडल लिया है उसको इंडिया के लिए पसंद के वेट लिफ्टिंग में
इंडिया के लिए भी मेरे तरफ पहले बार होगा, तो मेरा बहुत खुश हो रहा है कि जितना जो क्या क्या बोलेगा भाई, एकदम बहुत खुश है अच्छी तरह से। तो सिल्वर गोल्ड लेने का हम उम्मीद था बहुत, तो लेकिन फिर भी हो नहीं पाया, कोई बात नहीं, सिल्वर मिले थे इंडिया और मणिपुर के लिए, इतना नाम कमाया तो बहुत खुश हूँ। रौप्य पदक जितिबा परे मीराबाई राज्य मणिपुर रे खुशीर परिवेश, इम्फाल निकटरे थिबा चानुंक गांरे परिवार लोक खुशीर आत्महरा, गाँ लोक आसे तांको परिवार लोकंकु शुभेच्छा जणाउथुबा बेले तांको संपर्कीय बुली बुली पाख पड़ोसींकु मिठा बांटुथुबार देखिबाकु मिलिछि। मेरा नाम एच विनो कुमार मितई, मेरे भाई के बड़ा भाई हूँ। जब मेरे बहन ने टोक्यो ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल लेने के हम बहुत उम्मीद रखता था, लेकिन फिर भी ले नहीं पाया, अभी सिल्वर मेडल हासिल करके इंडिया मणिपुर उसके बाद अपना गांव नोपो कक्सिंग के लिए बहुत नाम ऊंचाई करके आए, उसे बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। हम बहुत खुश है सभी, इसलिए भगवान की तरफ से भी उसको सही सलामत यहाँ पर गाँव में वापस आके गाँव ने उसको पूरा सिल्वर मेडल लेके आएगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं। मणिपुर इम्फाल 26 वर्षीय चानु 2017 विश्व भारोत्तोलन चंपिशिप स्वर्ण पदक पाई 2020 ताश्केंट एशियन चंपिशिप ब्रोज पदक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते चानु, किंतु यह प्रतिजोगित चानु क्लीन आंड जर्क विभाग में सर्वाधिक 119 किलोग्राम भार उठाई विश्व रेकर्ड स्थापन करते 2014 ग्लास्को राज्यगोष्ठी क्रीडार रौप्य और 2018 अस्ट्रेलिया राज्यगोष्ठी क्रीडार स्वर्ण पदक जीति चानु 2016 सीनियर जातीय भारोत्तोलन चंपिशिप स्वर्ण जीति चानु 2017 आमेरिकार अनुष्ठित विश्व भारोत्तोलन चंपिशिप स्वर्ण पदक पाई 2018 मांगालोर में खेल जा सीनियर जातीय भारोत्तोलन चंपिशिप स्वर्ण जीति टोक्यो ओलंपिक्स को मिसाई बड़ अंतर्जात प्रतियोगित चानुंर पंचम पदक 2018 पद्मश्री सम्मान और राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार पाई मीराबाई चानु। टोक्यो ओलंपिक्स रे भारत को प्रथम पदक आनी भारोत्तोलक मीराबाई चानु आ पदक जितिबा परे चानुंकु चारियाडू शुभेच्छा रसुओ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चानुंकु शुभेच्छा जणाइछंती चानुंक विजय देशवासींक पई प्रेरणा बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। मीराबाई चानुंक प्रशंसा रे सतमुख मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मीराबाईंक ऐतिहासिक सफलता युवपीढ़ी को प्रेरणा जोगाइबो, युवक युवतींकु क्रीडारे श्रेष्ठत्व पाई अनुप्रेरित करिबो बोली ट्वीट करिछंती नवीन। टोक्यो ओलंपिक्स रे प्रथम पदक विजयिनी चानुंक अभिनंदन जणाइछंती केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, ए ऐतिहासिक सफलता हासिल करी से देशकु गर्वित करिछंती बोली ट्वीट करिछंती धर्मेन्द्र। पुरुष सिंगल्स टेनिस प्रथम राउंड रे भारतर सुमित नागल विजयी होती, से उज्बेकिस्तान रो डेनिस इस्टुमिन को परास्त करिसंती। पुरुष बैडमिंटन डबल्स प्रथम राउंड रे भारतर रांकी रेड्डी और चिराग सेट्टी को जोड़ी विजयी होती। संघर्षपूर्ण मैच रे चाइनीज ताइपेई प्रतियोगी को परास्त करिथिले रांकी रेड्डी और चिराग, तेबे पुरुष सिंगल्स रे साई प्रणीत प्रथम राउंड रो हारी प्रतियोगितारु बात पड़िछंती। टेबल टेनिस महिला सिंगल्स प्रथम राउंड रे मनिका बात्रा और सुतीर्था मुखार्जी चमत्कार विजय हासिल करिछंती। मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस रे चाइनीज ताइपेई जोड़ी ठारु भारतर शरद कमल और मनिका बात्रा परास्त होती। 10 मीटर पुरुष एयर पिस्तल फाइनाल को उन्नीत होता सौरभ चौधरी को सप्तम स्थान में संतुष्ट होगा पड़ी। नजर पकाइबा आज आउ एक बड़ खबर पर पारलाखेमुंडी एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामलें आज बलांगीर जीव पुलिस तदंतकारी अधिकारी और क्राइमब्रांचर पांच जणिया टीम बलांगीर जा तदंत करेंगे। जो विद्याभारती बाघर पार्टी से स्थान को जा छानबीन कर पुलिस क्यों जोगदे कौन घटी से सबुर छानबीन हो सेपटे डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा और गुरांडी थाना ओआईसी ममता राणी पंडा समेत रोसिया को गजपति एसपी देते क्लीन चिट एपर्यंत मामलें छह जन को जेरा कर I
आम सब दिग्वर तदंत करुचु यहाँ जो बैचलर पार्टी कथा उठी बर्तमान आम स्टेप वाइज आपको प्रथम रूप कही आम स्टेप वाइज इन्वेस्टिगेशन चली आउ गोटे गोटे स्टेप आम सारी सारी इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट करूँ स्टेप वाइज इन्वेस्टिगेशन चलुच्छे कौन से डिले कराएनि आम आज भी आम जो बलांगीर इन्वेस्टिगेशन टीम भी बर्तन बाहर जेल्रे पहुँचला निश्चय आम न्याय भावु आशा करुच्छ निश्चय मिले सेपटे सौम्यंक परिवार लोकंक कहिबा कथा पुलिस तदंत ठीक भाबे करा जाइनि परिवारकु खबर न देई सौम्यंकु कटक काहिं के अणागला एहा पछरे किए किए थिले हर तदंत हो बोली कहिछन्ति सौम्यंक भाई सौम्यंकु न्याय न मिलिबा पर्यंत संघर्ष जारी रखिबे बोली परिवार लोके कहिछन्ति सौम्यंक वकील पार्थसारथी नायक मध्य डीएफओंकु पुलिसर क्लीन चिट ने आपत्ति उठाइछन्ति कहिछन्ति तदंत चलिथिबा बेले किपर डीएफओंकु क्लीन चिट देला पुलिस ता छड़ा एजाए काहिं कि विद्या भारतीकु गिरफ करा जाउ नाही गिरफ परे जेरारु ही विद्या भारतीकु ठारु सत बाहर बोली पार्थ सारथी कथा है जो सुइसाइड होती रेस्पॉन्सिबल किए कौन पर जन सुइसाइड करदी तेरे जन को जो बाध्य कराई था सुइसाइड करने देन दैट इज क्राइम सुइसाइड जन कर बचाई से घर दुईज अच्छा जन मरी जा सुइसाइड कर बचापी आज जन चेष्टा करूना ता हाथ में कौन दाग अच्छी मूल दाग कि नाला पर दाग देखा से रूम्रे दुज थे जड़े पड़गला 99% आउ जे चाबी फॉरेस्ट ऑफिस रे दे आसला से चाबी तो फास्ट कथा से चाबी रखा कथा ना फास्ट भाविया कथा ये हूँ सस्पेक्ट ता स्त्री है सस्पेक्ट फास्ट भाविया कथा एवं से आरंभ हवा कथा इन्वेस्टिगेशन जोटा कि इन्वेस्टिगेशन से हिसाब से ही ना इंडियन एविडेन्स आक्टर 106 धारा कहूँ कौन घटना जदि कौन व्यक्तिर स्वतंत्र ज्ञात सारे अच्छी से व्यक्ति कह प्रकृत घटना कौन जदि से व्यक्ति कहूना प्रकृत घटना कौन ताल सन्देह नंबर वन नंबर टू 41 सीआरपीसी कहूँ कौन व्यक्ति नाम कौन से मामला रुजु होता है किंवा सन्देह कराए सी एक धर्तव्य अपराध कर दंडटा 7 वर्ष ऊर्ध ताहले मध्यम पुलिस तांकु गिरफ करि परिबो एठी विद्या भारती देइथिबा बयान एवं 41 सीआरपीसी के आपण कंबाइनली जे देखिबे सफिशिएंट ग्राउंड अछि विद्या भारती को अरेस्ट करिया पे गिरफ करा जन के तले विद्या भारती को जे गिरफ करा जाउ नाही बोली आपण जदि प्रश्न रहिबो मु कहिबि निश्चित भाबरे कोनोसी बड लोकंकु सुरक्षा दबा पई विद्या भारती को गिरफ करा जाउ नाही कुआखाई नदी पठारु मृतदेह उद्धार घटना रे मृत युवकंक परिचय खोजिबाकु चेष्टा जारी रखिछि पुलिस परिचय पाइबा पई मृत युवकंक फोटो धरी पुलिस टीम आज बस्तीरु बस्ती घुरी बुलिछि मुंडा बस्ती धीरिकुटी साही समेत विभिन्न बस्ती बुली लोकंक मृत युवकंक फोटो बाबदरे पचराउचरा करुछि आज मृत युवकंक फोटो नै पोस्टर मारिबो पुलिस ओडिया भाषारे 100 पोस्टर तयारी करा जायछि बैंक एटीएम पोस्ट ऑफिस पंचायत ऑफिस ढाबा होटल कॉर्पोरेट कार्यालय रे युवकंक परिचय खोजिबा पई पोस्टर मारिबो पुलिस दुई दिन तले कुआखाई पठारु युवकंक मृतदेह बाली तळु उद्धार करा जायथिला अंगो फोटोग्राफ को जे पोस्टर आकार छपा जाय सेथे व्यक्तिंकर सब डिटेल जेंति कि तांकर स्वास्थ्य तांकर उच्चता तांकर वयस संपूर्ण सूचना दे कि आमे विभिन्न जो जनसाधारणकर माने पब्लिक प्लेस जो अछि से जगह रे से सब पोस्टर लगा जिवो सो दैट पोस्टर लगवा पर आमको से व्यक्ति विषय में सूचना मिली आम आशा करूँ से पदक्षेप नि आज से पोस्टर आम रंगीन पोस्टर करते व्यक्ति फोटो लुगापट चप्पल इत्यादि सब फोटोग्राफ रही जहाँकि आईआईसी नहीं कि विभिन्न जगार आम भुवनेश्वर मान कमिशनरेट भितर अन्न्य थाना विभिन्न थाना को पोस्टर दिजिव सो दैट जनसाधारण मैंने देखिक भद्रक काउपुर पंचायत एड़ादेई गाँव में जघन्य हत्याकांड कुराड़ी मुंड को छेची विभत्स भाव महिला हत्या मृत महिला जनक छबिलता साहू बोली जमापड़ी तेज परकिया प्रीति सन्देह महिला स्वामी हत्या करड़ादेई गाँव गोविंद साहू और स्त्री छबिलता कौन घटना को नहीं गतका रात में बच्चसा होता एत्क्षिप्त हो स्वामी गोविंद साहू कुराड़ी स्त्री मुंड को आक्रमण कर सन्देह मुंडर गभीर आघात फल घटनास्थल में छबिलता मृत्यु घटी स्थानीय लोके सन्देह होवर पुलिस को खबर देते भद्रक ग्रामांचल थाना पुलिस घटनास्थल में पहुंच मृतदेह को व्यवच्छेद पठाइवा सह तदंत आरंभ कर किए था पिटिकी मारिदे कौन थे पिटिंट आम से जानी ना बर्तमान सुधा आम जापाल कौन थे पिटिंट कौन है कि मुंड फाटी जाइए का सबकि भल था कौन पर मोर चाहिए केमी किए मारा तार सठिक प्रमाण मिल मुसिक सका
ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର କାମ ସରିଛି, ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ପଚାରିନି କ'ଣ ହେଇଛି, ସିଏ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି, ତାର ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେଇକି ତାର ରହିଲା। ଏତିକି କଥା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସରିଯାଇଛି। ବମ୍ବେର ଦୁଇଟା ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁହନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଇଥିଲେ ତ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ହତ୍ୟା ହେଇଛି। ଆଦିବାସୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଅନେକ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲସରା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ନମୁନା। ଅବହେଳିତ ଗାଁ, ଅପହଞ୍ଚ ବିକାଶ। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରା ବ୍ଲକର ଆମ୍ବଖୋଲ ଏବଂ ଗୋପିଆପଲ୍ଲୀ ଦୁଇଟି ଗାଁ, ନା ଅଛି ପାଣିର ସୁବିଧା, ନା ଅଛି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ, ନା ଅଛି କୌଣସି ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା। ଦୁଇଟି ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସବର ଜାତିର ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଭଲ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଯେମିତି ସାତ ସପନ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗମନାଗମନ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଧନେଇ ନଦୀ ଉପରେ ହେଉଥିବା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ। ବୋଟ ଦେଲା ଟାଇମ୍ ତ ସେମିତି ଖୁଆଇଦେଉଛନ୍ତି, ଧରି ପଳାଉଛନ୍ତି, ବୋଟ ଛଲେ ତ ଖୁଆଇଦେଉଛି, ତୁମ ଗାଁ କେଉଁଠି, ଗାଁ ନମ୍ବର କ'ଣ, ଆଉ ତୁମ କେଉଁଠି ଅଛ, ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ, ଏମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହିବୁ ସରକାରକୁ, ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହିବୁ ସରପଞ୍ଚକୁ। ବଗାର ସୁବିଧା ହେଲାଣି, ଆମେ ଟିକେ ଆମ୍ବକା ଲୋକ ଗାଁଟା ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏ ଭୋଟ ହେଲେ ହଁ ଦେବା, ସେମିତି ଦେବା ଏମିତି ଦେବା ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ପିଇବା ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଗାଁ ଲୋକେ। ସରକାର ବିକାଶର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ବିକାଶ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ ଭୋଟ ସମୟରେ ନେତାମାନେ ପହଞ୍ଚି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଭୋଟ ସରିଲେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲସରା ବିଡିଓ। ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଠି ଜଗା ବୁଲି ଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ, ନଦୀ ଡେଇଁକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କାଠ ବ୍ରିଜ୍ ଖଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ସେ ବାଡ଼ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଖଣ୍ଡ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଠି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପକାଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗର କେମିତି ଆମେ ସଫଳ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା କଥା ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଅବହେଳିତର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି, ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ପୂରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଜିତ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।